हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देश के ऐसे प्राइवेट नौकरियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी सैलरी जानकर आप हक्के बक्के और बहुत चक्के हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी फील्ड में क्वालिटी मैनेजर की औसत सैलरी 60 लाख रुपए सालाना होती है, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को 60 लाख रुपए सालाना तक वेतन मिलता है और डेटा साइंटिस्ट को तकरीबन 68 लाख रुपए सालाना और सिक्योरिटी इंजीनियर को 61 लाख रुपए सालाना मिलता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजर को औसतन 68 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और रही बात आईटी मैनेजर की, तो आईटी मैनेजर देश की काफ़ी लोकप्रिय नौकरी है जिसकी औसतन सैलरी 70 लाख रुपए सालाना होती है। और रही बात एनालिटिक्स मैनेजर की, तो उसकी औसतन सैलरी 70 लाख रुपए सालाना होती है। दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी हो सकती है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की शुरुआती सैलरी दोस्तों 72 लाख रुपए सालाना से भी अधिक होती है। दोस्तों, साथ ही आपको ये जानकर भी आश्चर्य हो सकता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर की सैलरी 77 लाख रुपए सालाना होती है। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट देश की सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली नौकरियों में से एक है। इनकी औसतन सैलरी 80 लाख रुपए सालाना से भी अधिक होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।